दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो जो आप मेरे सामने देख रहे हो ये है ऑल न्यू E6 BYD की तरफ से आने वाली प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो दोस्तों आज जो है इस वीडियो में हम जानेंगे E6 के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। आप देख रहे हो इसकी लेंथ विड्थ जो है देख लीजिए आप, इसके बारे में जो डिटेल में वीडियो मिलने वाली आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले ये ग्रीन यहाँ पे जो है BYD का लोगो, ये क्रोम के अंदर ये डिज़ाइन सा देखने को मिल जाता है। और ये जो है यहाँ पे कुछ ऐसा ये ग्रिल मिल जाती है फ्रंट ग्रिल, क्योंकि यहाँ पे इंजन वगैरह होता नहीं है तो इसके अंदर वो कूलिंग वगैरह के लिए कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। और नीचे आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, देखिए ये टॉय हुक है। इधर की बात करें तो इधर आपको जो है देखने को मिल जाता है इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और इसी के अंदर आपको जो है डिटेलिंग दी हुई है। नीचे आपको जो है फॉग लैंप वगैरह कोई सी मिलता डिज़ाइन जरूर देखने को मिल जाता है, कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन वगैरह है। आप देख लीजिए पूरा का लुक, और ऊपर आपको जो है वाइपर वगैरह प्लेस किए मिल जाते हैं, और ऐसा इसका डिज़ाइन है। अगर मैं साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो साइड के अंदर आते हैं हमारे पास टायर, ये देखिए BYD के टायर 2 15 55 8 17 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ये जो है टायर आते हैं। देखिए नॉर्मल से अलॉय व्हील है और कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। ये क्लैडिंग दी हुई है चारों तरफ। ऊपर की बात करें तो इधर जो आपको ये क्रोम फिनिश दिया गया है, इधर आपको जो पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, टर्न इंडिकेटर ऊपर ही दिया गया है। ऊपर जो है रूफ रेल ड्यूल कलर के अंदर ये जो है गाड़ी आती है। इधर देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन है, यहाँ पर जो है ये रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, ये जो है क्रोम के अंदर दिया गया है पूरा पूरा डिज़ाइन। इधर पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको जो है ABC पिलर दिए गए हैं, कुछ ऐसा डिज़ाइन है, देखिए ऐसा उसका डिज़ाइन है। ये यहाँ पर जो आपको चार्जिंग ऑप्शन दिया गया है, ये ऐसे चार्जिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन आता है और ऊपर वाला जो है आपका नॉर्मल जो है चार्जिंग ऑप्शन आता है आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ ऐसा इसका चार्जिंग ऑप्शन आपको जो देखने को मिल जाता है। पीछे से बात करें ऊपर हम आपको तो ऊपर जो आपको देखने को मिल जाता है 60 मिनट का ऊपर स्पॉयलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, पीछे डिफॉगर और वाइपर देखने को मिल जाता है। पीछे आपको BYD का लोगो और ये क्रोम ग्रिल देखने को मिल जाती है। टेल लैंप की बात करें तो कुछ ऐसा इसका टेल लैंप का डिज़ाइन आपको जो देखने को मिल जाता है, देखिए। और इधर जो आपको पीछे ये मिल जाता है कैमरा, और ये BYD का लोगो यहाँ पे है, बड़ा क्यूट सा लगता है। और नीचे आपको E6 की बेजिंग मिलती है, पार्किंग सेंसर मिलते हैं, रिफ्लेक्टर मिलते हैं, ब्रेक लाइट आपको जो नीचे भी देखने को मिल जाती है, देखिए कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका पीछे का लुक है। और अगर इसकी बूट की बात करूँ तो मैं एक बार बूट ओपन करके दिखा देता हूँ इसका, ये देखिए कुछ इस टाइप का है ये बूट, पूरा कवरिंग आपको पीछे से देखने को मिल जाता है। इधर पकड़ने के लिए जगह है, 580 लीटर का आपको जो है ये बूट देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इसके अंदर स्पेयर व्हील मिल जाता है, नीचे आपको जो है ये देखिए ये इसके मोटर वगैरह का जो है वो मिल जाता है, ऐसा कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको लाइटिंग वगैरह बूट लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। ये कुछ पार्सल ट्रे वगैरह रखने के लिए जगह है, सीट है वो पूरी एकदम से एक साथ फोल्ड वाली सिस्टम आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। और इसके अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँगा ना, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 29.15 लेख है। अलग अलग जगह अलग अलग स्टेट में इसका जो आरपीओ वगैरह जो है वो आप जो है देख सकते हो। और कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। मैं इसकी जो रेंज वगैरह है वो 415 लीटर के आसपास जो है, सॉरी 415 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी रेंज क्लियर की जाती है। और इसके अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो 170 mm जो है इसका आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ ना तो लेंथ इसकी मिलती है, लेंथ मिलती है इसकी 4695 mm, 4695 mm की लेंथ है। और इसकी अगर मैं फ्रंट से विड्थ की बात करूँ ना 1810 mm इसकी जो है विड्थ देखने को मिल जाती है हमें। कुछ ऐसा है बूट स्पेस मैंने आपको बता दिया, 580 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। सीटिंग कैपेसिटी आपको इसके अंदर 5 सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। व्हील बेस 2800 mm का व्हील बेस देखने को मिल जाता है। अभी हम चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ऐसा कुछ है आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। ये कुछ ऐसा इसका डोर है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, ये जो है सिल्वर फिनिश दिया गया है। ये कुछ ऐसा डिज़ाइन सा कूल सा डिज़ाइन दिया गया है। इधर जो है आपको इसके अंदर सॉफ्ट मटेरियल दिया गया है, लेदराइज फिनिश दिया गया है। अभी चलते हैं मंदिर, ये देखिए कुछ ऐसा डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर स्पीकर दिया गया है, स्पीकर के साथ ही तो देखिए कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है। ये सबसे पहले आती है ये स्क्रीन, इसको आप मैन्युअली ऐसे रोटेट कर सकते हो, टैबलेट वगैरह इसको बना सकते हो। स्टेयरिंग की बात करें नॉर्मल आपको स्टेयरिंग मिलता है, इसके ऊपर आपको BYD लिखा हुआ मिल जाएगा, एयरबैग, और यहाँ पे कॉल पिक ड्रॉप का है, ये आगे पीछे वॉल्यूम कम डाउन
मोड वगैरह का, इधर जो है आपको लाइट का प्लेसमेंट मिलता है, सॉरी इधर जो है आपको लाइट का प्लेसमेंट मिलता है, इधर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं। कुछ ऐसा इसका डिज़ाइन है, ये ऐसी वेंट्स दिए गए हैं, और ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल है। इधर आपको आरपीएम मीटर, इधर आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बीच में ये 2 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसा डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बड़ा कूल सा है एकदम। और इधर बिल्ड योर ड्रीम्स फुल फॉर्म ऑफ BYD यहाँ पे लिखने को मिल जाए। ये ऐसी वेंट्स है, ऐसी के कंट्रोल्स है, यहाँ पे शायद ये चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग वाला ऑप्शन है। इधर आपको जो है इसके अंदर कंट्रोल है, एच लो इको पी पार्किंग ऑन ऑफ, ये म्यूजिक सिस्टम का है ऑटो, और ये जो है ड्राइव मोड वगैरह रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव मोड है, ये पार्किंग का है। यहाँ पे 2 बोतल होल्डर, ये पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक। इधर आपको जो है ये मिल जाता है, इसके अंदर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट, 2 USB सॉकेट, ये इसके अंदर डिजाइन मिल जाता है। और इधर बात करें, ये ग्लो बॉक्स इसके अंदर दिया कुछ ऐसा डिज़ाइन है भाई। इसके कम्फर्ट देखोगे ना आप, थाई स्पोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट आपको जो है देखने को मिल जाता है। काफ़ी ऊंची गाड़ी है, यहाँ पे आपको इसके अंदर ये मिल जाता है देखने को। लाइट वगैरह कुछ है नहीं। इधर आपको जो डोर के ऊपर ये कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाता है, ये हल्का सा, बिल्कुल ही हल्का सा दिया हुआ है। ये भी कुछ ऐसा ही मिरर दिया गया, इधर भी मिरर दिया गया, तो कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर है। ये चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, ऐसे इसको रोटेट कर दो, टेबलेट वगैरह बना लो, ठीक है ना। और इसका ये जो है आप इसको भी टिल्ट और टेलीस्कोपिक इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, तो कुछ इस टाइप का इसका इंटीरियर वगैरह है। आप देख लीजिए इसके फीचर्स वगैरह, वो अभी मैं आपको देखता हूँ, दिखा दूँगा क्या क्या चीज़ें मिलती है। अभी हम चलते हैं पीछे की सीट पे, और पीछे का बताता हूँ। और कम्फर्ट वगैरह की बात करें तो बूट लेग रूम हेड रूम वगैरह ठीक ठाक है। अभी पीछे दिखा, तो पीछे की सीट हार्ड प्लास्टिक सॉफ्ट मटेरियल, और विंडो ये कुछ ऐसा डिज़ाइन सा वुडन फिनिश में है। ये इसका देखिए, तीनों की तीनों आपको जो एडजस्टेबल मिलते हैं, आगे वाले भी एडजस्टेबल है, पीछे वाले भी एडजस्टेबल है। ये भी एक्सटेंडेड थाई स्पोर्ट्स काफ़ी अच्छा आपको जो है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे पीछे कोई बुक होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और आप देखोगे ना लेग रूम नी रूम काफ़ी अच्छा है, हेड रूम भी काफ़ी अच्छा है। पीछे भी आपको जो केबिन लाइट देखने को मिल जाती है, आराम से 3 लोग आ जाते हैं। हम्प वगैरह कोई ज़्यादा है नहीं। पीछे आपको USB सॉकेट, पीछे ये AC मिल जाता है, बिल्ड योर ड्रीम्स यहाँ पे भी मिल जाता है। देखिए पीछे से आगे का लुक कुछ ऐसा आपको जो है देखने को मिल जाता है। 4 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है, 2 आगे स्पीकर मिलते हैं, 2 पीछे स्पीकर मिल जाते हैं। ये जो है इसके अंदर जो डिस्प्ले है, ये 10.9 इंच की डिस्प्ले आपको जो है देखने को मिल जाती है। USB रियर USB टच स्क्रीन वगैरह आपको जो है देखने को मिल जाती है। सेफ्टी के मामले में बात करें तो इसके अंदर आपको एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड लॉक, 4 एयरबैग आपको जो है इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ड्राइवर पैसेंजर साइड पैसेंजर एयरबैग वगैरह मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, और काफ़ी चीज़ें जो आपको देखने को मिल जाती है। EBD ESS और बाकी EYD की जो एटो 3 है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था अभी। तो यही था इसका इंटीरियर वगैरह। अभी मैं आपको इसके जो मोटरवे है वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए चलते हैं, आपको मोटरवे दिखाते हैं एक बार। ये इसका बूट का है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे बता भी दिया इसने कि बूट ओपन हो जाता है इससे, आपको दिखाता हूँ। और इसका ये है मोटर, ओपन करते हैं इससे। ये है इसका मोटर, ये हाइड्रोलिक है भाई, इंजीनियरिंग का वो मतलब अच्छा खासा यूज किया गया है। ये है इसका मोटर वगैरह देख लीजिए आप, पूरा ऊपर से कवरिंग है, हाइड्रोलिक डिजाइन है। ये मोटर और बैटरी का जो सेटअप वगैरह है वो कुछ ऐसा है। इसके अंदर 71.7 किलोवाट की जो बैटरी है, 70 किलोवाट की जो है मोटर इसके अंदर मिलती है आपको, जो है 93 BHP की पावर और 180 Nm का जो है टॉर्क जनरेट करती है। और ये 415 किलोमीटर की जो है रेंज हमें जो है देखने को मिल जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो आपको इलेक्ट्रिकल चार्जिंग मिलती है, टॉप स्पीड वगैरह मैंने आपको बताई दी है। इसके अंदर फास्ट चार्जिंग से ये 1.5 घंटे में जो है चार्ज हो जाती है, और नॉर्मल चार्जिंग से ये जितना टाइम लेती है उतना लेती है, लगभग 5-6 घंटे ले जाती है इसका बैटरी। और स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है इसके अंदर देखने को मिल जाता है आपको, तो इसका प्रॉपर यूज कर सकते थे ये। और बाकी ये था BYD की तरफ से आने वाली E6 के बारे में आपको एक एक चीज़ डिटेल में बता दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।